exactly that means to help you. नहीं तो ठाक है मैंने एक खाला चला दिया नेक्स्ट आपने एडमिशन लिया है या दिया है कौन सा कॉलेज में वहाँ तो लगभग कुछ टाइम मैपिंग तो हमारी होती है वन मंथ का मैंने कल क्या नाम बताया था जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव ठीक है दूसरी एक वर्ड है और जिसको मतलब होता है सब्जेक्टिव ठीक है उसमें दोनों प्रॉपर्टी मिल जाती है उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव बोलने का कारण बाईजेक्टिव बोलने का कारण ये है क्योंकि इसमें दो जेक्टिव आते हैं ठीक है कहाँ रहे भाई कल बताया मुझे कब बताया फिर आपने फोन करा था कल मैंने नहीं कहा था वो डी सी सर ने किया था जी ने लगभग 5 बजे के आसपास पौने 5 बजे हाँ क्योंकि आपका तो यहाँ एडमिशन है ना हाँ तो जिन लोगों चलो कोई नहीं वो तो जैसे कि होगी वो उसका होगा ठीक है
क्योंकि कल भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो बेसिक है, तो उनके लिए तो ऐसा है कि अगर यहाँ पे लेक्चर मिस हो जाता है इट मीन्स काफ़ी चीज़ें फिर स्किप हो जाती है। ट्वेल्थ वाला तो एक बार बता के लिए, तो वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में एकिक है, ये बहुएकिक है, और ऑन टू को बोलते हैं आच्छादन, और इन टू को छिपी है सर जो भी है। अभी किस तरह की है वन वन का मतलब ये होता है, एक सेट ए है एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, इसमें भी आपके कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से यानी कि सिंगल सिंगल कनेक्ट हैं। क्या है? सिंगल सिंगल कनेक्ट हैं, तो उसको बोल देते हैं वन वन। यदि इधर के दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जुड़ जाए, मान लो ये नहीं है तीन है इधर चार है, उसको बोल देते हैं मैनी वन। क्यों बोलते हैं? दो थे इधर से, उनको मैनी बोल दिया, इधर किससे कनेक्ट हुए हैं एक से मैप हुए, तो इसको बोल देते हैं मैनी वन। जब कोई इधर एलिमेंट रिमेन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तीन है, तीनों किसी ना किसी की इमेजेस हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑन टू। क्या बोलते हैं? अगर इधर कोई एक एलिमेंट शेष रह जा तो उसको बोलते हैं इन। समझ रहे? अगर इधर कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहता, यानी कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इसकी इमेजेस ना हो, तो उसको तो बोलते हैं ऑन टू, यानी बस भरा हुआ है, कोई किसी से खाली नहीं है। और अगर इधर कोई एक मेंबर ऐसा मिल जाता है जो किसी की इमेजेस नहीं है, तो उस मैपिंग को बोलते हैं हम इन टू। समझिए? और जब मैपिंग वन वन और ऑन टू हो, जैसे कि एक ये बनाऊँ मैं, मान लीजिए तीन एलिमेंट इधर थे तीन इधर हैं, तो यह क्या होगी? वन वन ऑन टू। एक एलिमेंट यहाँ बन गया तो क्या होगी? वन वन इन टू, ठीक। और किसी कारण इधर दो की इमेज एक हो जाए, ये और ये होना, तो ये हो गया मैनी वन ऑन टू, ठीक। और एक इसमें अगर रिमेन हो जाए, इसको बोलते हैं मैनी वन इन टू, ठीक। और जो मैपिंग ऐसी हो, कैसी हो, तीन एलिमेंट इधर थे तीन इधर है, सब एक एक करके जुड़े हुए सिंगल सिंगल करके, इसको बोल देते हैं वन वन ऑन टू, इसी को बोलते हैं बाईजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाईजेक्टिव। क्या नाम बता था? आंचल बता देना। अच्छा ये बताओ, इक्वेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्वेलेंस रिलेशन आपका तो पता नहीं होगा, तुल्य संबंध। कल पढ़ा गया था रिलेशन का, ये चलते। एक सेट है हमारे पास वन टू
थ्री ठीक है, और मैं लिखता हूँ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है? हाँ मैंने बताया था रिलेशन ऑन ए का मतलब है एक रिलेशन है वो ए से ए के लिए ठीक है। अब एक्चुअल में वो रिलेशन है क्या, अब मैं देखो वही चीज़ बिल्कुल आपकी क्लियर कट करना चाह रहा ताकि आपको फिर आगे कन्फ्यूज़न ना हो। वह चीज़ें बुक से भी पढ़ोगे तो इकट्ठी नहीं आपको मिलेंगी। मैंने कहा ए रिलेशन, रिलेशन ऑन ए, इसके एलिमेंट ले लिए मैंने ए इक्वल टू मान लिया 1 2। एक्चुअल में ये है क्या, ये ऐसा है एक रिलेशन ए, सही है ना? अगर इसको ग्राफिकली हम समझे तो इस तरह का रिलेशन है 1 2 3 1 2 3। और हम जानते हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट किसका होता है ना, बनाए बनाते हैं तो हम लिखते हैं ए क्रॉस ए एक्चुअल में क्या है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 2। आ गया एक क्रॉस पी। अब जो रिलेशन होगा इसी का क्या होगा, वो सबसेट होगा। तो मुझे बताइए नंबर ओ सबसेट इन ए क्रॉस ए, कितने सबसेट होंगे इसमें? अट्टू की पावर पी क्यू कितना है? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 512। यानी कि इसके 512 क्या बनेंगे, सबसेट। उनमें से अगर सिंगल को इसे लूँ वो भी सबसेट है, दो दो को लूँगा वो भी सबसेट है, तीन तीन को लूँ वो भी सबसेट है, चार को लूँगा तब भी, पाँच पाँच को लेकर बनाऊँगा तब भी, तो टोटल मिला के इतने बने ठीक है। इन सबसेट के रिलेशन में अभी अगर आप इन ओल्डर पेयर को मान लिया सीधा सिंपली एक एक एलिमेंट मान लें, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दिया, मैंने सिर्फ दो ले रहा था, सारे नहीं लेकर दिखा रहा है एग्जाम्पल, मैं कहूँ इसके सबसेट कौन कौन से होंगे बताऊँ? एक तो फाई ए बी और ए, ये होंगे सबसेट, एक फाई आर एक अपने। तो इसी तरह से अगर मैं इसके सबसेट बनाऊँ इन सेट्स के, तो इनमें एक सबसेट ये भी होगा और एक सबसेट ये भी होगा, एक रो से का मतलब सारा अपने आप पे आ जाएगा और फाई। इसको नल रिलेशन बोलते हैं या एम्प्टी रिलेशन, और इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। दोनों ही रिलेशन ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं तुच्छ संबंध, तुच्छ। इनका इतना कोई खास महत्व नहीं है लेकिन इसको फिर भी क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्यों आते हैं, क्योंकि सबसेट है, सबसेट में दोनों चीज़ हर जगह ऑटोमेटिक उठा हुआ है। अब इनसे जो 512 रिलेशन बनते हैं, लेट मैंने एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3,
ले सकता हूँ ना एक रिलेशन है कैसे बताओ क्या ये सब सेट नहीं है इसका जो मैंने रिलेशन दिखा क्या ये सब सेट नहीं है है ना इनमें से लेकर कुछ भी लिख लो वो रिलेशन अब हम चेक करते हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव है अब इस रिलेशन के हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है इसे पहले तुम्हें आप लिख लो बोर्ड से नजर नहीं आ रहा सही नहीं आ रहा
फ्लेक्सी के लिए जो रूल है अगर कोई हमने एक एलिमेंट लिए किसी सेट से लिए ठीक है और ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो जैसा ये लेंगे ऐसा ही दूसरा एलिमेंट भी उस रिलेशन में समझ रहे। मान लिया हमारे पास एलिमेंट पेयर में 1, 2 और 3 थे तो इसका भी ऑर्डर पेयर इसका भी और इसका भी डबल वाले इस तरह से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो यानी कि ये मान लो इस तरह से यहाँ इसमें मिरर लगा हुआ है इस तरह का ऑर्डर इसमें होना चाहिए जैसा यहाँ ऐसा ही। दूसरी कंडीशन हमारी है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या कहता है यदि ए और बी आर में है इट इज इम्प्लाइड बी और ए बी आपके आर में ठीक है ठीक है। अगर इसमें बाय द वे 1 और 2 हैं तो 2 और 1 भी होना चाहिए। इसमें मिरर कहाँ लगेगा यानी कि ऑर्डर पेयर की भी मिरर इमेज होनी चाहिए। एक तो हर एलिमेंट के लिए मिरर इमेज मिले उसकी दूसरी उसके जितने भी ऑर्डर पेयर है उनकी मिरर इमेज भी उसमें होनी चाहिए तभी तो सिमेट्रिक होगी। सम्मिति जिसको बोलते हैं सिमेट्री उसी के समान। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण। ट्रांजिटिव क्या कहता है ट्रांजिटिव यह कहता है यदि ए और बी बिलोंग टू आर है एंड बी और सी बिलोंग टू आर है देयर इम्प्लाइज कि ए बिलोंग टू सी आर भी होना चाहिए यानी कि इनका ये मिडल वाला गायब हो जाएगा। ये वाला एक ऑर्डर ए से बी है दूसरा बी से सी है तो हमें ए से सी वाला भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ये होगी हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल। आपने इससे कॉल की इसने इससे की और इसने आपको इससे करा दिया बीच वाला ख़त्म हो गया तो होगी कॉन्फ्रेंस कॉल। दो में दर्पण लगाइए एक में कॉन्फ्रेंस लगाइए ये रिलेशन आपका बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये तीनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है जो हमने रिलेशन लिया है देखते हैं। सेट ए लिया था हमने 1, 2, 3 क्या इन तीनों एलिमेंट के लिए ये रिफ्लेक्सिव है ये वाला है या नहीं भाई इसके नहीं है क्योंकि इसमें 1-1 भी है 2-2 भी है 3-3 भी है ये 1-2 है ये 2-3 तो तीनों एलिमेंट के लिए सेम है तो रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक। ये तो एक दूसरे के सिमेट्रिक है ही। 1-2 का सिमेट्रिक क्या बैठता है 2-1 वो है नहीं इसमें तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव 1-2, 2-3 है तो 1-3 इसमें है नहीं है तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं। इस गरीब को क्यों परेशान करें हम इसमें 2-1 और कर लें और 3-2 और कर लें आई थिंक अब सिमेट्रिक तो हो गया हो गया नहीं 1-2, 2-1, 1-1 भी है 2-3, 3-2, 2-2 भी है तो ट्रांजिटिव भी हो गया सिमेट्रिक की रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तो ये रिलेशन कैसा है आपका इन्फेरेंस रिलेशन। वाले बच्चों को इसे समझने में कहीं नहीं लग जा रिलेशन को एक बैलेंस रिलेशन की तरह कहते हैं।
लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? एक सेट ए है, एक सेट बी है, मैं कह रहा ये फंक्शन है, अंदर है, क्या ये फंक्शन है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक, और एक चीज़ और भी बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो छूट जाए। बताया था ना, अगर इधर कोई एक एलिमेंट छूट गया तो फिर फंक्शन कैसे होगा? फॉर एवरी एलिमेंट हैव यूनिक, बताया था ना, नोट भी करवा था दोनों वर्ड मैंने, एवरी और यूनिक रहा था, नहीं भूल के दिखे देखे जहाँ फंक्शन शुरू करा था लिखा था, नहीं देखिए क्या नोट कर रहे हैं जहाँ स्टार्ट रिलेशन भी फंक्शन लिखा था ए सेट फ्रॉम ए टू एन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज देयर यूनिक इमेज इन सेट बी। ये चीज़ तो ये बताई थी कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, यानी कि ये वाला एरो अलाउ नहीं है, ये वाला हो सकता है, इधर के दो एलिमेंट की एक हो सकती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कहला करता है तो हम उसको कहते हैं फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखो एक तो चीज़ें सीखते चले जाओगे, उन्हें अच्छी तरह समझते चले जाओगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ कन्फ्यूजन हुआ फिर समस्या आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए जो चीज़ पढ़ाई थी उसे अच्छी तरह से ग्रहण किया। अब देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, कोशिश करना, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड is defined to be one one यानी कि injective if the images of distinct element of x under f
आर दैट इज फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू एक्स एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अदरवाइज एफ इज नाइन वन ऊपर लिखा वही नीचे लिखा हुआ और नीचे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इसके एक तो हर एलिमेंट जो एक्स में है उसके संगत उसकी इमेज होनी चाहिए। अब उसने कहा मान ली मैं दो एलिमेंट कहूँ कि ये दोनों एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं तो यह ऑटोमेटिक मैनी वन होगी। लेकिन वन वन कब होगी? वन वन तब होगी ये इससे जुड़े ये इससे जुड़े। मान लिया एक्स वन वाई वन से जुड़ रहा है एक्स टू वाई टू से जुड़ रहा है और इमेज ऑफ एक्स वन अंडर एफ और इमेज ऑफ अंडर एक्स टू अगर ये दोनों इक्वल हो यानी कि इसकी इमेज भी वही हो और इसकी इमेज भी वही हो वो सिर्फ उसी कंडीशन में है यदि ये दोनों बराबर समझो क्या है यानी कि इधर के इन्हीं दो एलिमेंट की इमेज उधर सेम होगी एक ही होगी वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगी जब ये दोनों एलिमेंट एक ही हो। समझा? कह तो रहा हो कि इन दो की इमेज इधर एक हो सकती है बराबर होगी एक की होगी एक ही होगी लेकिन वो उसी कंडीशन में होगी जब दोनों एलिमेंट एक ही है यानी कि एक के लिए बात कर रहा है। लैंग्वेज का फेर है। यहाँ इसने कहा ये हो गया यदि ये मान लो ये एफ इमेज ऑफ एक्स वन और एक्स टू बराबर किस कंडीशन में होंगी यदि उधर एलिमेंट एक्स वन बराबर एक्स टू यानी कि वही एलिमेंट है जुगा तो समझ रहे इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। इधर जो किसी भी एलिमेंट की इमेज सेम तब होगी जब उधर वो एलिमेंट एक ही सिंगल ही है। ऐसा नहीं है कि उधर के दो एलिमेंट की इमेज इधर एक हो जाएगी। इधर भी एक ही इमेज होगी और उधर भी एलिमेंट क्या होगा एक ही होगा एक्स वन बराबर एक्स टू इसलिए कर दिया। अगर ऐसा नहीं है ये इमेज तो सेम है दो एलिमेंट्स की लेकिन ये इक्वल नहीं है तो क्या बन जाएगी मैनी मैनी वन यानी कि एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इन दो की इमेज एक ही होगी तो उस स्थिति में क्या बन जाएगा मैनी ये लैंग्वेज से भी पढ़ना सीखो। इसे कराने का समझा तो मैंने दिया था सारा ही लेकिन लिखवाने का मकसद यही था ताकि आप लैंग्वेज को बुक्स की पकड़ना सीखो क्योंकि तो सारी ज़िंदगी को पके पकाया को नहीं रहना कहीं भी कुछ भी कर लो कहीं भी कोचिंग में चले जाना कहीं ना कहीं अंत तक अपने आप ही पढ़ना सीखना पड़ेगा बुक्स पढ़ना चाहो पढ़ लो।
अच्छा डेफिनेशन सिक्स है आपके पास नहीं है। हाँ है आपके पास तो नहीं है, डेफिनेशन सिक्स पढ़ के देखो समझ में आ रही है। बात अच्छी सर फर्स्ट लेक्चर ही है सर। देखो ये क्या कह रहा है ऑन टू के लिए एक्स वन एक्स टू कुछ भी मान लो या वाई वन और वाई टू यहाँ जितने भी वाई है ओवरऑल वाई ठीक देयर इज ए एक्स बिलोंग टू ए कह लो यानी कि इसमें एक एक्स ऐसा है हर एक वाई के लिए कि अगर उसकी इमेज ऑफ एक्स निकाले अंडर है वो वाई ये तो कह रहा है यानी कि सभी वाई के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज है यहाँ कोई भी वाई नहीं बचा हुआ तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। वो आगे बताऊंगा
सेट ये है, ये हमारा एक सेट बी है, एक एलिमेंट उधर चार भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डोमेन कितना है, रेंज 1 to 3, और डोमेन यानी कोर डोमेन और रेंज दोनों ही सेम हो जाए, फंक्शन क्या बन जाएगा, ये किस कंडीशन में होंगे, जब यहाँ कोई एलिमेंट ना बचे, ये तो है ही नहीं, ठीक है। अगर किसी सेट में अगर फंक्शन के और डोमेन और रेंज सेम हो गई तो उस कंडीशन का फंक्शन कैसा है, वो ऑन। और अगर ये कंडीशन है तो ये फंक्शन क्या है, इनटू इनटू वन वन इनटू वन वन ऑन टू, मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन, ठीक। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एट सच दैट ए टू एन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, so that f is 1 1 but not odd, समझ रहे आप, ये कह रहा कि ये 1 1 तो है और लेकिन ये ऑन टू ये तो है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ दबाव कर दिमाग, नंबर है रोल नंबर आएगा, ठीक है, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर एक, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर एक, यानी कि आप ये मान के चलिए इस तरह का सेट है, समझने की कोशिश करना। देखो जब अधिकतर इस इमेज का अपने दिमाग में यूज़ करोगे तो आसानी होगी, अगर इसका यूज़ नहीं करोगे तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। यहाँ स्टूडेंट 50 स्टूडेंट मान लेंगे, वो ए बी सी
एसोसिएशन के नाम 50 बच्चे। अब ये 1-1 है या मैनी 1 है? इधर बनेंगे रोल नंबर, पहले और दूसरे बच्चे का क्या रोल नंबर सेम हो सके? एक बच्चे का एक रोल नंबर, 1-1 तो होगी। अब कौन टू देखते हैं, पहले बच्चे का रोल नंबर 1, दूसरे बच्चे का रोल नंबर 2, तीसरे बच्चे का रोल नंबर 3। कितने बच्चे हैं? तो यहाँ तक क्या चल रही है? 1-1 है। सेट क्या है? ये कहाँ ख़त्म होगा? 51, 52 अब तो इनफाइनाइट तक चल रहा है। इनकी कोई इमेज है? है इधर इनकी प्री इमेजेस हैं कोई 51 से इनफाइनाइट तक? तो क्या ये 1-2 है? क्या बन गया ये? एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 है 100 दैट द फंक्शन f from n to n given by maze of f equal to 2x is 1-1 but not 1-2 is 1-1 but not 1-2 एक एक सुन मारा नहीं। फंक्शन अपने आप में बहुत ही वाइल्ड टॉपिक है। क्वेश्चन देखो, बोलते उसको कलम पेन चलाओ, कुछ ना चलाओ।
हो गया बताऊंगा। वही चीज़ है ना जो अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन बताई थी, कुछ और अलग चीज़ है। अच्छा एग्जाम्पल 9 देख लो, ये समझ में आ रहा है। कुछ लगा जैसे कुएं से बाहर निकलो, मैंने जैसा कहता है ना कुएं का डंडा, कुएं में उससे बाहर आ रहे ना थोड़ा निकल के, ये चीज देख थोड़ा गर्मी का मौसम है, दिमाग पे ज्यादा लोड। सेट ऑफ रियल नंबर होता क्या है? संख्या होगा समुच्चय बट विदाउट आयोटा नंबर। एक चीज बना रहा है इस ग्राफ को, हमेशा अपने माइंड में रखना, और एक बार छोटे बच्चों को बतानी पड़ेगी, किसी को पता नहीं। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, हमारा चलता है काउंटिंग नंबर, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एन से। ठीक है, स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 करके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारी काउंटिंग में यूज है। ठीक है, जैसे इसको हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। अगर हम इस सेट में 0 और जोड़ दें, क्या जोड़ दें? तो ये सेट बन जाता है, ये सेट बन जाता है हमारा W यानी कि होल नंबर। क्लियर? 0 2 अब कहाँ तक हो गया सेट? 0 1 2 3 4 5। इसमें एक सेट और जोड़ दें, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। इस सेट को बोलेंगे जेड, सेट ऑफ इंटीजर। समझे? अगर इसमें माइनस भी आ गए प्लस भी आ गए, 0 सेट ऑफ इंटीजर। इस इंटीजर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको जेड प्लस से, और जो नेगेटिव है उसको जेड माइनस से। कहीं कहीं इसको आई प्लस या आई माइनस भी लिख देते हैं। ठीक है, इंटीजर तक पहुँचे। इंटीजर के बाद आता है ये हमारा रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? क्या है कि p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू एथ कंडीशनर है इतना नंबर और इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। कभी कभी पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाता है जो क्यू प्लस से, नेगेटिव रेशनल नंबर क्यू माइनस से। यानी कि वो सभी नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इन सबको भी लिख सकते हैं अपॉन वन करके, इनके भी अपॉन वन करके लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या निकला कि टोटल जितनी भी फ्रैक्शंस हैं क्या हैं वो भी इसमें आ जाए। अब नंबर कितनी तरह के बचे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आएगी, फ्रैक्शन आएगी, और नंबर किस तरह के बच रहे हमारे जो हमने आजकल देखे हैं, आज तक देखे हैं, और किस तरह की संख्याएं बच रही। अब संख्याएं बच रही रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, ये बच रही ना। ये नंबर हमारे हैं इरेशनल। क्या हैं? इरेशनल। एक्चुअल में इरेशनल उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो, उसको इरेशनल बोलते हैं। जिसकी एग्जैक्ट पता है उसको हम बोलते हैं रेशनल। तो इस तरह के बचे हमारे पास। रेशनल आए और ये इरेशनल आए। तो जो मैंने रेशनल और इरेशनल को कवर किया इसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। समझ गए आगे? समझे? तो रियल नंबर के अंदर टोटल नंबर जितने पढ़े आपने सारे आ, और फिर इनका भी गुरु सबका, इस सेट का भी गुरु ये है कि यदि इन सब नंबरों के साथ ये नंबर टोटल आर सबसे बड़ा सेट हुआ, इसमें अगर कहीं दा आयोटा जुड़ जा तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ और सेट ऑफ सब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सारे एक दूसरे के इस तरह सब सेट। तो ये जो सारा ताम झाम है जिसमें आयोटा, आयोटा वाली कैसी होती हैं, वन प्लस टू वाई मान लिया मैं लिखता हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं। बाय द वे अगर ऐसा लिखा हुआ जीरो आई तो ये कैसा नंबर है? वन प्लस जीरो आई, जीरो की जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रियल नंबर है, ये ध्यान रखना। तो सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं आज तक आयोटा वालों को छोड़ करके वो सारे रियल नंबर हैं। नोट करो ये रीज का, जरूरत नहीं है ना। अभी ये प्रूव दैट द फंक्शन कैसे है? एक सेट ले लिया, एक सेट जी रियल नंबर है, ये भी यहाँ हर नंबर के हिसाब से एक नंबर मिल जाएगा नहीं इससे। मान लिया एक्स की वैल्यू में रखता हूँ वन, वाई की वैल्यू कितने देगी टू,
एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ 1/2, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू मैंने रखी 1.5, वाई की वैल्यू 3। समझ रहे? या मैं कहूँ कि वाई की वैल्यू मैंने रखी 5, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 5/2। हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी ना, या 2 आ रही है? एक ही। हर एक x की जो इमेज है y के अंडर में एक ही आ रही है, तो क्या 1-1 है या नहीं है? क्योंकि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू r, f इमेज ऑफ x1 इक्वल टू f इमेज ऑफ x2, देयर इज इंप्लाइड x1 इक्वल लैंग्वेज मार्क ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझाना को मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं ओन टू के लिए। ओन टू का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है ये सारा का, जितना मैंने आपको दिखाया था सुनो, अरबों खरबों पता नहीं इनफाइनाइट संख्याएं हैं। ठीक, क्या इधर कोई संख्या ऐसी है जिसकी इमेज प्री इमेज इधर ना हो? है कोई संख्या ऐसी रियल नंबर में? कोई ऐसी संख्या इधर है जिसकी इधर जो जुड़ी हुई ना हो? है, बताओ क्या है? अगर इधर 3 है, इससे क्या निकल रहा? y = 2x। ठीक, तो x = क्या हो गया? y/2। ठीक, अगर y 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, यही तो होगा ना। अगर ये 3/2 है, इधर हो जाएगा 3। भाई इधर जो है उसको आधा ही तो आना, तो 3/2 क्या एक रियल नंबर नहीं है? है कोई रियल नंबर इधर ऐसा जिसका आधा इधर ना हो? बताओ, कितनी भी बड़ी संख्या फ्रैक्शन में ले लो, रूट में ले लो, आप कहो जी इधर √3 है, मैं कहूँगा यहाँ √3/2 है, रियल नंबर है। बच रहा कोई नंबर? बस उसने कहा भाई ये डबल है, ये डबल है, यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका डबल यहाँ है, तो इधर कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसकी इमेज इधर ना मिल जाए, तो इसलिए फंक्शन क्या है? ऑन टू फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट ए एक्स सच दैट एफ इमेज एक्स इक्वल टू, हर वाई के लिए इधर प्री इमेज एक्स में है, इसलिए ये ओन टू है, वहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। समझ रहे?
फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जिसके लिए दिया हुआ है कि एफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम प्लस एन। ये कह रहा कि इफ एफ 16 इक्वल टू 18 हो तो एफ 2 इंटू एफ 3 की वैल्यू फाइंड करें। यह आपका हुआ है क्वेश्चन जेई मेंस 2020। ठीक है, फंक्शन में इसलिए झक मार रहा क्योंकि बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना जितना मैंने सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया उससे आप एकदम फंक्शन के इसके क्वेश्चन कर लो, पॉसिबल नहीं है। अभी आगे जब आप लिमिट्स पढ़ोगे, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, और आपके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लोगे, एक चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का आएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कुछ आप बायनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, उन सब का मिक्स होकर क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें यूज आते हैं। तो क्या है कि यहाँ जब थोड़े दिन आप पढ़ लोगे, लगभग ये मान के चलिए 3 महीने, तो 3 महीने में तुम्हारा कम से कम IQ लेवल जहाँ से आप वहाँ से कहीं गुना ऊपर स्टैंड कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन होंगे IQ लेवल से। ये उस तरह नहीं होने की जैसे आज तक 12th में किए, टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमने घर सोल्व कर लिए, बस 2-4 बार उनकी प्रैक्टिस कर ली, हमने क्वेश्चन आया, क्योंकि बोर्ड में बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, वही चीज़ आती है उन्हें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ नए क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपको बताऊं जेई मेंस में तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलो भाई आपने उस तरह के 20 क्वेश्चन कर दिए, साथ बोल नहीं जेई एडवांस के नाम से होता है, जो प्रॉपर IIT के लिए करते हैं, उसका क्वेश्चन ही कोई नहीं मिलता आपको, वो क्वेश्चन ही नहीं बनाते। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फाइन। अब इसमें ट्रिक क्या लगाई है, ट्रिक ये लगाई है कि इस वैल्यू से ही हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करें। ठीक, तरीका क्या है, तरीका ये है, यदि मैं m इक्वल टू भी 3 रख दूँ और n इक्वल टू भी 3 रख दूँ, इसमें ये हो जाएगा नहीं, ये क्या हो गया F6, ये क्या होगा 2F3, इसकी वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू कितनी आ गई, नाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 है इसे आप 3 बनाओ, इसे क्या बनाए 3, क्योंकि F3 की वैल्यू है, पहले F6 की वैल्यू को तो 6 बना दिया, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है 3 की, क्योंकि क्या चाहिए हमें 2 और चाहिए ना, 3 तो हमारे पास आ गया, क्या लिख सकते हैं F2 प्लस 1 इक्वल टू F2 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो F3 आ गया। चलो जी आगे लिखते हैं हम F2 प्लस F1, F3 की वैल्यू क्या है 9, यहाँ भी F2 है और यहाँ F4, ना तो इसकी पता ना इसकी पता, ये पता है भाई F2 तो हमें चाहिए ही, क्या करें 1 से बना लो उनको, इसमें 1 प्लस 1 कर लूँ तो इसको भी F1 प्लस F1 लिख सकता हूँ, नहीं ये बताओ पहले जो कंडीशन गिवन दी हुई है, ये बन गए 6
सेम हो गए थ्री एफ वन, तो एफ वन इक्वल टू कितनी आ गई थ्री। और जब एफ वन इक्वल टू थ्री आ गई तो एफ टू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसमें रख दो एफ वन की वैल्यू, इसकी वैल्यू नाइन, नाइन में से थ्री जा कितने बचेंगे सिक्स। तो जो एफ टू की वैल्यू आई वो क्या आई सिक्स, एफ थ्री की वैल्यू कितनी थी नाइन, तो एफ टू और एफ थ्री की वैल्यू क्या होगी नाइन इंटू थ्री फोर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का मकसद ये होता है किसी भी चीज़ का, खासकर मैथमेटिक्स का, जी एस अलग चीज़ है, उसमें तो ये है कि वही क्वेश्चन रहेगा, उसे बदल नहीं सकते, कि अगर उसी पैटर्न पे कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो हम कर लें, ये उम्मीद ना करें कि हाँ ये क्वेश्चन आए। मान लिया यहाँ से क्या दिया, ये दिया है, हो सकता है वो कुछ ऐसा दे देता, आगे क्वेश्चन जो आए वो इस तरह का दे दे, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। मतलब हमें अगर एक बार किसी चीज़ का पैटर्न का पता लग गया तो हमें वे चीज़ें अप्लाई करके हमें देखनी है, हैं? हाँ नोट कर दें। देखिए कल जो मैं पढ़ाऊँगा, एक तो छोटा सा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, कल वो कराऊँगा और इसी के साथ साथ क्वेश्चन ये चीज़ें कल होंगी।
चलेगा तो आज बताया बार करके देख लो इसको, ठीक है। तो कल जो आपका होमवर्क रहेगा, कल का होमवर्क है आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ट्वेल्थ की बुक में चेक करो, आगे ये तो कुछ हिंदी में, यानी कि दो हलन का संयोजन वो पढ़ के आना है, उसमें 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 मिनट लगे, और बाकी फिर क्वेश्चन ही करो, कलेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे आ जाए कल भी, और दो दिन और जाएंगे, दो दिन में टॉपिक पूरा हो जाएगा सेट रिलेशन फंक्शन, इसके बाद आपका सेट टॉपिक वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बंद कर दो भाई, कल पढ़ते में करा देंगे ना सर, रिलेशन और फंक्शन के ही तो क्वेश्चन है।